वेलकम टू प्यारा इंडिया फ्रेंड। बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा 2024 में फोकानिया और मौलवी की जो परीक्षा 22 जनवरी 2024 से होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एडमिट कार्ड अपने फ़ोन से ही डाउनलोड करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। उससे पहले एक अपडेट है कि जो भी बच्चे प्यारा इंडिया से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हम मेरे से जो भी अपडेट हम देते हैं सही लगता है आप लोग को, न्यूज़ सही लगता है, तो मैंने एक बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड और उर्दू टीचर से संबंधित जो भी मैंने उर्दू का जो भी चीज़ें हैं या मदरसा से जो भी अपडेट है उन सभी चीज़ों को हम एक नए चैनल पर डालेंगे जब उस पर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वो चैनल बन चुका है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो मदरसा अपडेट करके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो वो चैनल मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो उस चैनल को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और 500 जल्द टारगेट को पूरा करें। टारगेट 500 जैसे ही स्टूडेंट उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम मदरसा से रिलेटेड सिर्फ उस वीडियो पर चैनल मिलेगा। मदरसा से अपडेट जितने भी होते हैं, ये चाहे आपको टीचर बनना हो या एग्ज़ाम देना हो या मदरसा में आगे कुछ भी करना है, सभी चीज़ों की जानकारी वहाँ पर मिलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब रही बात कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक हम आपको क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देंगे। वहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप आ जाइएगा, नहीं तो गूगल में जाकर बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा बोर्ड जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको लिंक ओपन होगा, इस पर ओपन करना है। और जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और देखिएगा ब्लू कलर में इस प्रकार से फोकानिया और मौलवी एग्जाम 2024 डेमी एडमिट कार्ड करके ऑप्शन आएगा। सिंपल से इस ब्लू कलर वाले पर लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करके कुछ देर वेट करना है। जैसे ही आपका लिंक ओपन हो जाएगा फिर देखिए इस प्रकार से फिर इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो करेंगे, एक फोकानिया जो कि 10th लेवल का है और मौलवी जो कि 12th लेवल का है। अब जो भी आप एग्जाम देना है सिंपल से उसके नीचे आप देखिएगा ग्रीन कलर में आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे कि आपको फोकानिया डाउनलोड करना है तो सिंपल से फोकानिया एडमिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से अब लास्ट स्टेप आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि आपका दो चीज़ आपसे मांगा जा रहा है, एक है रेफरेंस आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब देखिए रेफरेंस आईडी के मतलब क्या हुआ, जो आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ऑनलाइन उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, और आगे कुछ दिन पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी किया गया था तो रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो सिंपल से उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे जो भी नंबर है उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डालना है। जैसे कि अगर आपका डेट 1 जनवरी है तो 01 डालिएगा, पाँचवा महीना जनवरी 1 जनवरी है तो 1 हो गया, फिर 1 हो गया 01, और फिर 2009 है तो 2009 इस प्रकार से पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आपका संख्या 1 है तो 1 लिखिएगा, अगर 15 है तो 15 इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना। जैसे पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड सिंपल से आ जाएगा, और वहाँ से क्या करना है कि आपको सेव करके रख लेना है। अभी मेरे पास किसी स्टूडेंट का नहीं है जो कि सिंपल करके दिखाए, मगर वैसे आपका एकदम सिंपल से स्टेप है, दो स्टेप में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और अपने फ़ोन में सेव करके देख लेना है कहाँ आपका सेंटर दिया गया है। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो, और लाइक करें। अगर किसी भी तरह के अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फोकानिया और मौलवी के क्वेश्चन पेपर अगले साल जो परीक्षा हुआ था मेरे पास है, अगर आप डिमांड करेंगे तो उसमें हम वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पर क्वेश्चन अगर आप लोग मांगते हैं तो हम शेयर भी कर देंगे। इसलिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से भी जुड़ के आपसे बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस चैनल पर अगर आपको अपडेट चाहिए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हम लिंक में आपको दिया गया है मदरसा अपडेट करके। तो फ्रेंड वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।